दोस्तों आज इस वीडियो में आपको डायोड के बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन सा डायोड कितने एम्पियर का है और कौन सा एसी डायोड है और कौन सा डीसी डायोड है और एसएमडी डायोड की पहचान हम कैसे करें। मतलब इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि आप 10 वीडियो को भी देख लीजिए उतनी जानकारी उन वीडियोज में आपको नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देख के आप डेफिनेटली 100 में से 90% तो सीखेंगे ही सीखेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर वीडियो को स्किप आप करते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसी डायोड से। तो सबसे पहले इनको मैं अलग कर लेता हूँ और इनको भी अलग कर लेता हूँ। और एक पेपर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट की हैं, सबसे पहले आपको वो समझा देता हूँ। मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बताऊंगा और मेरा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे ही रहता है। दोस्तों बात करते हैं एसी डायोड की। एसी डायोड में आपने सबसे ज़्यादा इस डायोड का नाम सुना होगा, IN4007 या 1N4007 जिसे आप कहते हैं। और इस वाले डायोड का भी नाम आपने सुना होगा और इसका भी नाम सुना होगा। दोस्तों इनका काम एक ही है, इन्हें हम रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं और एसी डायोड भी कहते हैं। इनका काम ब्रिज रेक्टिफायर को बनाना भी होता है और एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है। भाई रेक्टिफायर का काम होता ही वही है, तो इन डायोड को एसी डायोड कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं इन नंबरों की, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली तो दिखा दूंगा, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों ये जो IN4007 नंबर की जो डायोड होती है, सबसे ज़्यादा सर्किट बोर्ड में लगने वाली डायोड होती है। दोस्तों एक चीज बता दूं, ये जो डायोड है ये 1 एम्पियर की होती है और दूसरी वाली 5399 वह 1.5 एम्पियर की होती है और ये 5408 3 एम्पियर की होती है और 6A4 है 6 एम्पियर की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कितने वोल्ट में लगती है। सभी की सभी 1000 वोल्ट तक लगती है। बोले तो अगर इनको हम किसी भी सर्किट बोर्ड में यूज करते हैं तो इनपुट लगभग 1000 वोल्ट इसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होगा तो ये डायोड ख़राब हो जाएंगी। मतलब मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है 1000 वोल्ट तक है, मतलब मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक है। अब बात करते हैं ये एम्पियर किस हिसाब से मतलब इस डायोड का हुआ। चलिए छोटा सा एक एग्जांपल ही आपको बता दूँ। एक सर्किट बोर्ड, ये DTH का सर्किट बोर्ड है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से लाइन इनपुट होती है, देखिए आपको क्लियर दिखाऊँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होगी लेकिन समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, तो आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आपका वोल्टेज इनपुट होता है, फ्यूज के थ्रू आपका ये रेक्टिफायर पे आता है। तो यहाँ पर जो ये रेक्टिफायर आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर IN4007 नंबर की यहाँ पर डायोड लगी रहती है। भाई उससे ऊपर की भी हो सकती है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर इस सर्किट बोर्ड की मिनिमम रिक्वायर जो है 1 एम्पियर है। मतलब ये सर्किट बोर्ड जो है 1 एम्पियर का है, तो यहाँ पर भाई यहाँ पर कितने नंबर की डायोड लगेगी, 4007 नंबर की। अगर इस सर्किट बोर्ड मतलब ये सर्किट बोर्ड थोड़ा सा अगर ज़्यादा एम्पियर का होता तो यहाँ पर 5399 डायोड लगती। यहाँ पर अगर ये सर्किट बोर्ड 3 एम्पियर का होता तो यहाँ पर 5408 यहाँ पर डायोड लगती। अब आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कौन सी डायोड लगानी है, मान लीजिए यहाँ पर डायोड नहीं लगी है तो आपको पता नहीं है कौन सी डायोड लगानी है, सबसे पहले आप 4007 की डायोड यहाँ पर लगा लीजिए, मतलब 4007 की डायोड यहाँ पर लगा लीजिए। अगर वो जल जाती है तो समझ लीजिए वो लोड नहीं ले पा रही है इस सर्किट बोर्ड का, तो आपने क्या कर लेना है, 5399 लगा लेना है। वो भी लोड नहीं ले पा रही तो आप इसका लगा लीजिए, मतलब ये 5408 का आप डायोड लगा लीजिए। याद रखिएगा इनके आगे IN लिखा होना चाहिए, मतलब जो भी आप रेक्टिफायर पे डायोड यूज करते हैं वो IN डायोड होनी चाहिए। और बात आपको एम्पियर की बता दी मैंने, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है आपको पता ही है। नॉर्मली एक स्विच आपने देखा होगा, नॉर्मली जो एक स्विच देखा होगा, जैसे कि ये स्विच आप देख लीजिए, ये होता है कितने, 6 एम्पियर का, ठीक है 6 एम्पियर का होता है। और ये कितने होता है, 6 एम्पियर का। अगर हम इसमें एक हीटर का मतलब लोड दे दें तो क्या होगा, यह जल जाएगा, मतलब 1000 वाट दे दें तो यह जल जाएगा, क्योंकि हीटर जो है ज़्यादा एम्पियर लेता है, इसीलिए वहाँ पर पावर वाले लगाए जाते हैं, जैसे 16 एम्पियर का लगाया जाता है या उससे ऊपर भी लगाया जाता है। बस
इसी को एम्पियर कहा जाता है। इसी से पता चलता है कि ये अपना लोड कितना ले रहा है। बार बार अगर बार बार जल जाता है तो समझ लीजिए भाई इसमें हमने बढ़ा के इसमें डायोड लगानी है। भाई बात तो हो गई यह एसी डायोड की। चलिए अब इसका पहचान बता देता हूँ। पहचान बोले तो इसका सैम्बल कुछ इस तरीके का होता है, जो है ये इस तरीके का इसका सैम्बल होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव कहते हैं। अगर वहीं पर हम इसको एक नॉर्मली अगर डायग्राम बनाएं तो इस तरीके का डायोड रहता है। देखिए ये है डायोड, इसमें ये सिल्वर पट्टी है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सिल्वर पट्टी नेगेटिव और ये वाली पट्टी ब्लैक वाली पॉजिटिव। भाई आपने समझ लिया होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक वाइक तो कर लो भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं हम डीसी। चलिए इसमें तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको और बेटर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं डीसी डायोड। दोस्तों डीसी डायोड में देखिए ये सब डीसी डायोड के ही कोड हैं, FR, SF, UF, HER और यहाँ पर एम्पियर का वो मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप ये सब देख लीजिए। ये है स्कॉट की और ये है FR, ये है SF। अब देखिए जो स्कॉट की डायोड होती है वो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसको छोड़ लीजिए। सबसे पहले FR पे बात करते हैं। FR का फुल फॉर्म है फास्ट रिकवरी, SF का है सुपर फास्ट रिकवरी, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी, HER हाइपर फास्ट रिकवरी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, भाई आपसे सर ये गलती हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब एक सर्किट बोर्ड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए पहले तो मैंने आपको IN4007 का बताया था, या 1N4007 जिसे हम कहते हैं उसका बता दिया था। अब देखिए इसका काम तो AC से DC में, मतलब लाइट को AC से DC में कन्वर्ट करना होता है, या रेक्टिफायर में यह यूज होते हैं। अब जो है इनका काम क्या होता है, DC to DC, ये सिर्फ DC सप्लाई में ही लगते हैं। मतलब ये जो डायोड्स होती है ये सिर्फ DC में ही लगती है, जैसे कि इस सर्किट बोर्ड के यहाँ पर लगी हैं, SF, FR जो भी हैं यहाँ पर लगी हैं। तो इनको खोलने के बाद ही पता चलेगा इसमें SR है, SF है, यहाँ पर इसके जो कोडिंग वगैरह फिर पता हमें चलेगी। मैंने कुछ खोल के रखी है, अभी आपको मैं फिर समझा दूँ। इनका काम जो है स्विचिंग का होता है। जैसे किसी IC को ही स्विचिंग करवानी है, या किसी ट्रांजिस्टर को, या किसी भी चीज़ को स्विचिंग करवानी होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर वो डायोड लगती है। अगर फास्ट रिकवरी स्विचिंग करवानी है तो फास्ट रिकवरी, अल्ट्रा फास्ट के लिए अल्ट्रा फास्ट, सुपर फास्ट के लिए सुपर फास्ट, हाइपर फास्ट के लिए, मतलब जिस हिसाब से उसको वहाँ पर स्विचिंग करवानी होती है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसको चाहिए उस हिसाब से, उसी रिक्वायरमेंट में वो वाली डायोड वहाँ पर लगेगी। वो वहाँ पर वो सर्किट बोर्ड का वो कंपोनेंट निर्धारित करता है कि वहाँ पर कौन सी डायोड लगनी है। अब बात करते हैं इस सर्किट बोर्ड में यहाँ पर जो डायोड लग, भाई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं कर रखी तो लाइक कर दो यार। बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए और आगे लाने वाला हूँ, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब देखते हैं यहाँ पर जो भी ये लगी हैं, मैंने ये सबसे बड़ी वाली डायोड निकाल के रखी हुई है, जैसे कि ये है यहाँ पर। अब इसके जो है कोडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर जूम करके एक मिनट, हाँ ये है SR डायोड, SR 360, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है SR 360। जो ये SR डायोड है इसका नंबर है 360, और जैसे 360 है यहाँ पर देखिए 360 मैंने लिख लिया SR। अब बात करते हैं FR, वैसे ही एक बगल में लगी है FR 107, जैसे कि यहाँ पर है, एक मिनट, ये वाली है FR 107, ये वाली भी नहीं है, ये है FR 107। यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की। देखिए FR 107, देखिए FR 107, मतलब फास्ट रिकवरी इसमें इस डायोड से आपकी होगी। तो यहाँ पर 107 यहाँ पर लिखा है। वैसे ही एक डायोड मेरे पास और है HER 205, देखिए HER 205 जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है HER 205। अब आपने इसका अगर एम्पियर निकालना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये जितनी भी ये लिखी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब डीसी डायोड हैं। एसी डायोड में आगे IN या 1N जिस जो भी आप कहते हैं वो लिखा हुआ रहता है, जो एसी डायोड रहती है जो रेक्टिफायर पे यूज होती है। अब यहाँ पर जो डीसी डायोड होती है इस तरीके के नंबर आपको देखने के लिए उसमें मिलेंगे। उनका काम DC to DC फास्ट स्विचिंग या जो भी इसकी स्विचिंग का जो भी मेथड यूज होना है, इसमें IC जो भी रिक्वायरमेंट मांगती है उस हिसाब से लगने का। अब जो है एम्पियर का, किसी भी डायोड के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसका फर्स्ट डिजिट उसका एम्पियर होता है। तो यहाँ पर देखिए
FR107 लिखा है तो फर्स्ट डिजिट जो है एक है, तो एक एम्पियर ये डायोड है। तो SR360 तीन एम्पियर, HER205 तो दो है, दो एम्पियर की। जो भी डायोड का नंबर होगा उसका पहला डिजिट उसका एम्पियर होता है। अब आपको बता दिया एम्पियर क्या है भाई, FR107 है, अगर वो बार बार जल जा रही है तो आपने FR जो है 207 नंबर जो भी इसका नंबर होता है वो लगा लेनी है। मतलब जो भी सर्किट बोर्ड के एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमने डायोड वहाँ पर लगानी होती है। अगर इस एम्पियर की डायोड नहीं झेल पा रहा है तो इससे बढ़ा के FR ही लगानी है, जहाँ से आपने FR उठाई FR ही लगानी है, तो वहाँ पर उसी उससे ज़्यादा एम्पियर की आप लगा लीजिए। तो बस ये है DC डायोड का पूरा काम। अब बात करते हैं आपको, मैंने लास्ट में ये ऑप्शन छोड़ दिया था शॉटकी डायोड, स्कॉटकी या शॉटकी भी बोलते हैं, स्कॉटकी डायोड। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखती है हमारी स्कॉटकी डायोड, बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा आपने मॉसफेट ट्रांजिस्टर वगैरह देखे होंगे या 7805 देखी होगी, तो वैसा ही इसका शेप रहता है। यहाँ पर मेरे पास है नहीं, फिर एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया 7805 की तरह दिखती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल होता है और उसका नंबर वगैरह उसमें ही मेंशन होगा। तो इसकी ये लेग पॉजिटिव, ये लेग पॉजिटिव और बीच की नेगेटिव, मतलब एनोड एनोड प्लस ये बीच वाली है कैथोड। अब जो है अगर आपके पास स्कॉटकी डायोड नहीं है तो आप नॉर्मल डायोड से उनको स्कॉटकी डायोड की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको दो सुपर फास्ट डायोड लेनी होगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, सुपर फास्ट डायोड आपने ले लेनी होगी। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अब ये नहीं कि जिस नंबर की मैंने पकड़ी हुई नंबर की आपने डायोड ले लेनी है, तो एग्जांपल के लिए ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास सुपर फास्ट डायोड है, मतलब FF डायोड है। मान लीजिए इसका जो है देखिए, इसका जो है ये देखिए कैथोड और कैथोड हमने ये मिला लिया, ये देखिए इसका जो है ये मिला लिया हमने, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको बता दिया SF डायोड, सुपर फास्ट डायोड के हमने दो ये मिला लिए और यहाँ पर ये इसकी लेग बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए बिल्कुल ये हमारी शॉर्ट की डायोड बन गई है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये है पॉजिटिव और बीच वाला नेगेटिव, मतलब इन दोनों को हमने आपस में इनकी जो है कैथोड को मिला लिया है। तो ये है शॉर्ट की डायोड। अगर शॉर्ट की डायोड नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसको शॉर्ट की डायोड की तरह यूज कर सकते हैं। अब बात एम्पियर की है तो वहाँ पर आपको बता दिया, अगर ये बार बार जल जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर नंबर की आप ले लीजिए, जैसे जैसे SF 107 105 जो भी नंबर उसमें होता है थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए, बात एम्पियर की अगर बढ़ाने की हो तो। तो इतने पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है SMD डायोड की। SMD डायोड कभी भी मोबाइल PCBs में और जो SMD कंपोनेंट वाली जो PCB हमारी होती है उसमें लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये LED बल्ब का ड्राइवर है, इसमें जो SMD डायोड लगी हुई है यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं इसका जो आप इसकी पहचान आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली है ये है ये बिल्कुल ये देखिए, अगर आपको दिखाई दिया तो ये है SMD डायोड। इसका मार्क देखिए यहाँ पे लाइनिंग है एनोड कैथोड, यहाँ पे जो है आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया था वैसे ही इसको फॉलो कर लीजिए, ये है प्लस और ये है माइनस एनोड और कैथोड, ठीक है। और ये है SMD डायोड और इसी में एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी आती है इस तरह से, देखिए ये वाली एक मिनट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये देखिए एक मिनट आपको जूम करवा के दिखा दूं, यह है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। यहाँ पर देखिए अब आपको पता चल गया होगा ये कुछ ऐसे दिखती है। अब इसके ऊपर जो नंबर लगा होगा उस नंबर के हिसाब से हमने, मतलब ख़राब है तो उस नंबर के हिसाब से काम कर लेना है। तो यहाँ पर यहाँ से हमारा पॉजिटिव आए, मतलब यहाँ से हमारा AC इनपुट होगा अल्टरनेटिव करंट और यहाँ से डायरेक्ट करंट DC हमारा निकल जाएगा ये वाला। अब ये कितने एम्पीयर के क्या है, इसकी डाटा शीट जो है इसका नंबर आपने जैसे इसमें लिखा है MB 10F, तो हमने गूगल पर MB 10F डाटा शीट हमने लिख लेना है। तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, तो किसी भी IC या किसी भी हमने कंपोनेंट का डाटा शीट निकालना है तो उसका नंबर हमने गूगल पे सर्च मार लेना है, आगे पिन आउट या डाटा शीट हमने लिख लेना है, तो वहाँ पर पूरा उसका डिटेल्स निकल के आ जाएगा। ये आप ट्रांजिस्टर भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट में ये आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और ये है आपकी SMD डायोड।
अब देखिए इसमें भी पूरा SF SR पूरा सीन चलता है, इनमें भी AC DC डायोड होती है। देखिए एक एग्जांपल के लिए आपको मैं बता, इस सर्किट बोर्ड को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर पे आप देख सकते हैं दो डायोड लगी हैं। देखिए थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसको मैं पॉइंट करता हूँ, यहाँ पर दो डायोड लगी हैं, ये हैं M7 नंबर की। जिस भी डायोड के ऊपर M7 लिखा होता है वो AC डायोड होती है, वो रेक्टिफायर पे यूज होती है। अगर आपके यहाँ पर जो M7 नंबर की डायोड है वो ख़राब हो जाती है तो आप इन डायोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली डायोड का जिसमें IN4007 लिखा होगा। M7 को हटा के या M7 ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर IN4007 या 1N4007 का आप यूज कर सकते हो। जहाँ पर M7 डायोड हो सिर्फ वहीं पर IN4007 लगेगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया जिसमें M7 लिखा होता है वो रेक्टिफायर पे यूज होती है। अब यहाँ पर इसका जो एम्पियर है आपको बता दिया 1 एम्पियर की है, बाकी जो है आपको जो भी डायोड SMPS पर या ऊपर दिखती है तो वहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, उस डायोड का नंबर आप गूगल में सर्च कर लीजिए, पूरा डेटा शीट या एम्पियर जो भी है उसका निकल के आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे ही इसमें स्कॉटी डायोड और अल्ट्रा फास्ट डायोड वगैरह जो भी हैं, इसमें पूरी जो है आपको जो भी इसकी डेटा शीट देखनी है SMD की वो आपको मिल जाएगी गूगल पे। और यहाँ पर इसका जो है नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है 1JJ, तो ये जो है DC डायोड है, तो ये जो है सुपर फास्ट है शायद, हाँ ये सुपर फास्ट है। तो किसी भी डायोड का आपने डेटा शीट देखना है तो वहाँ पर आप गूगल में डालिए, बता दिया। बाकी आपको जो है बेसिक जानकारी डायोड की मैंने दे दी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर लेना, और हाँ कमेंट जरूर करनी है आपने, कुछ भी कीजिए कमेंट में, भले अच्छी लगी हो तो अच्छी लिख लीजिए, बुरी लगी हो तो बुरी लिख लीजिए, और कोई इंप्रूवमेंट आप अपने इस टॉपिक पर मैंने करना है तो वो भी आपने लिख लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, पसंद नहीं आती है तो आपको बताया था डिसलाइक भी कर लेना है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है लाइक करने के साथ साथ। वीडियो पे एंड करता हूँ, कोई चीज़ अगर और सीखनी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।